Hello student, today I want to tell you something, the reform in Indian agriculture, कि इंडियन एग्रीकल्चर में किस किस स्टाइल से कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे. तो फर्स्ट इज जो है वो थे टेक्निकल रिफॉर्म्स, एंड सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, एंड थर्ड वन इज जनरल रिफॉर्म. तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रिफॉर्म विच आर टेकन प्लेस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक. टेक्निकल रिफॉर्म्स मीन्स द रिफॉर्म्स इन विच टेक्निक्स जो है उसमें चेंजेस किए गए, जो है हमने मॉडर्नाइजेशंस को अडेप्ट किया, कुछ सीड्स में इंप्रूवमेंट किया, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया. इंस्टीट्यूशनल्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स की जो इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रमोट कर सकती है, उनकी कंडीशन में इंप्रूव कर सकती है, उनको इस्टेब्लिश किया. एंड जनरल रिफॉर्म्स, कुछ जनरल स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए जिनसे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके. तो फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स. तो टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे पहले जो हमने जो टेक्निक अडेप्ट की वो थी यूजेज ऑफ HIV सीड्स की. हमारी कंट्री में जो भी मैन क्रॉप्स है एटलीस्ट उनके जो HYV सीड्स है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की, जिनके थ्रू अगर उनको सोइंग किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी में जो है वो बहुत इंप्रूवमेंट होता है. ये जो सीड्स होते हैं HYV सीड्स, ये आफ्टर रिसर्च जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं कि इनमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो मेरिट्स होती है, जो क्वालिटीज़ होती है सीड्स की, वो हमारे साइंटिस्ट जो है वो पुटअप करते हैं, और उसके बाद जो है सीड्स की एक नई न्यू वैरायटीज़ जो है वो आती है. तो ये जो होता है इनसे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जाती है तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी आती है वो इम्प्रूव होती है. तो नेशनल सीड्स जो कॉरपोरेशंस है वो सेटअप किया गया था इसके लिए. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशंस वो ही इसको प्रमोट करता है और इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाता है फार्मर को, ताकि मैक्सिमम जितना मैक्सिमम इनका HYV सीड्स का जो है सर्टिफाइड सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, उतनी ही एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो है वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी. तो HYV सीड्स हाइल्ड वेराइटी सीड्स होता है, इनकी जो होती है क्वालिटीज़ जो होती है डिफरेंट डिफरेंट्स जो कंट्रीज़ की क्वालिटी होती है वो सीड्स में डाल दी जाती है, और उसके बाद उससे जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है, तो उससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है. सेकेंड आता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो भी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने का एक जो है वो बेस्ट जो है वे है, कि इसके थ्रू जो हम जब क्रॉप्स की जो सोइंग करते हैं या उसके बाद जो आफ्टर सम टाइम्स जो होता है उसमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर यूज़ किया जाए तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होकर के आती है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है हमारे साइंटिस्ट ने जो है इन्वेंशन किए हैं या उनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में पॉसिबल करवाया है. तो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूजेस के बिहाफ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो रही है. थर्ड है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. ये भी टू टाइप्स के जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी अगर हम यूजेस करते हैं तो जो इंसेक्ट हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, जो पेस्ट जो होते हैं वो हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, इनका यूज़ करने के बाद जो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये 14 सेंट्रल प्लांट प्रोडक्शंस जो है उसको सेटअप किया गया, और उसके वजह से ही जो है ये मैनेजमेंट पॉसिबल हो जाता है. इस टेक्निक को अडेप्ट करना जो है वो पॉसिबल हो जाता है कि इंसेक्ट के टाइम में किस स्टाइल से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए. उसके बाद है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कि इसमें जो है कुछ ऐसे साइंटिफिक फार्मूलेस या मेथड्स को अडेप्ट किया जाता है, एक सिस्टमेटिक एक कंसीक्वेंस में एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर आती है. कि जैसे सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स का, कि किस स्टाइल की क्वालिटी लेनी है, कौन सा सीड्स लेना है, कौन सी वैरायटी का सीड्स लेना है, और किस क्रॉप्स को कब जो है वो प्रोडक्शंस करना है, ये कब उसका जो है किया जाता है. तो सबसे पहला आता है सिलेक्शन, कि हम क्रॉप्स का सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमारी सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सी क्रॉप्स जो है इस फार्मों के लिए बेटर रहेगी. उसके बाद ही जिस स्टाइल्स का हम जो सिलेक्शन करते हैं उसी स्टाइल के बाद उसी स्टाइल की जो होती है वो सॉइल को जो है हम प्रिपेयर करते हैं, कि सॉइल की प्रिपेशंस की जाती है, जितनी उसकी डेप्थ होती है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं. उसके बाद होता है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, की एक बार जो क्रॉप्स हो गई सेकेंड टाइम्स उस क्रॉप्स को लेना है या नहीं लेना है इसका डिसीजन लिया जाता है. उसके बाद होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, की सीड्स किस क्वालिटी के लिए कौन से लिए उसका सिलेक्शन किया, और फिर फर्टिलाइजर कितनी क्वांटिटी में होगा. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग. ये मेथड्स होते हैं, इनको अडॉप्ट किया जाता है साइंटिफिक फार्मिंग में, और इनके अकॉर्डिंग जो होता है वो फिर क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की जाती है. तो ये जो है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो एरिया है प्रोग्राम्स, उसके थ्रू जो होता है ये सब कुछ लॉन्च किया जाता है. इनको जो है फार्मर को एजुकेटेड किया जाता है, लिटरेट दिया जाता है, कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाती है. जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है ये रूरल एरिया में लॉन्च किए जाते हैं, ताकि फार्मर को इसकी बेसिक नॉलेज हो सके कि जो सीड की डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, इरीगेशन कब होगा, कितनी फैसिलिटी में होगा, कितनी क्वान्टिटी में होगा, कौन सी सॉइल किसके लिए बेटर रहती है, इन सब की जो है
नॉलेज दी जाती है, उसको हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशंस, कि इसमें कल्टिवेशंस अगर किया जाता है तो कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स तो जो होते हैं वो अनेबल नहीं हो पाते हैं, इतनी जो मशीन होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो उसको परचेज नहीं कर पाते हैं। तो उनको जो क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो होते हैं एटलीस्ट उनको कुछ क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो उस क्रेडिट फैसिलिटी के ब्याप पे वो ये सब कुछ परचेज कर लेते हैं और उसके ब्याप पे एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं वो एग्रीकल्चर की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। अब आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एरिया में इंटरमीडिएटर्स जो होते हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में अवेलेबल होते हैं और ये अवेयरनेस नहीं होती है फार्मर की, उसको बेसिक नॉलेज नहीं होती है प्राइस की, मार्केटिंग सिस्टम्स से वो थोड़ा सा अननोन रहता है और किस स्टाइल से कौन सी क्रॉप्स को कहाँ ले जा करके सेल करना है। तो वो क्या करता है, जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनके जो ट्रैप में होता है वो फंस जाता है और फिर वो उन्हीं को अपनी फसल जो होता है वो बहुत ही लोअर प्राइस पर जो है हार्वेस्टिंग के टाइम में ही सेल कर देता है। तो जब तक हमारी कंट्री में एबोलिशन नहीं होगा इंटरमीडिएटर्स का, डायरेक्ट सेल नहीं होगी, तब तक जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें इंटरमीडिएटर्स को एबोलिश्ड कर दिया गया, डायरेक्ट जो है उनकी क्रॉप्स को जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू परचेज करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद होता है रेगुलेशन ऑफ लैंड, कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जो फार्मर्स होते हैं वो एटलीस्ट लैंडलॉर्ड नहीं होते हैं, उनके पास लैंड नहीं होती है, वो एज ए टीनेंट होते हैं, वो किसी को रेंट पे लेकर के फार्म जो होती है फील्ड और उस पर फार्मिंग का ऑक्यूपेशन जो है वो करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो रेगुलेशंस फिक्स कर दिया है कि रेंट क्या होगा, टोटल क्रॉप का 1/3 दिया जाएगा, ये कितना दिया जाएगा, बस रेंट उतना ही दिया जाएगा। रिसेंट टाइम में 2/3 रेंट जो है वो लिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, कि होल्डिंग्स की जो टेंडेंसी है हमारे यहाँ कंट्री में, कि ये जो व्यू है उसको रिड्यूस किया गया कंसोलिडेशंस को। तो इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशंस जो एक प्रैक्टिस होती है कि अलॉट द लैंड ऑफ फार्मर एट वन प्लेस, अगर इसमें कंसोलिडेशंस में जो होता है कि एक फार्मर जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो फील्ड है स्मॉल फील्ड, तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जो फील्ड है, जितनी एकड़ जो ज़मीन है, वो एकड़ ज़मीन उसको एक ही जगह अगर अवेलेबल करा दे तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। कि सपोज कीजिए बिहार में मेरे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है वो मेरे फार्म हाउस है या फार्म फील्ड है, तो मैं एटलीस्ट उनको गवर्नमेंट से एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे उससे भी थोड़ी लोअर दे दो। जैसे मेरे 100 एकड़ है तो एटलीस्ट आप मुझे 80 एकड़ की ही लैंड एक ही जगह अवेलेबल करा दो। तो इससे क्या होता है, जो स्कैटरिंग लैंड जो थी उस फार्मर की, स्कैटरिंग लैंड का मतलब था जो जगह जगह बिखरी हुई थी उसको कंसोलिडेशंस कर दिया गया, उसको गवर्नमेंट एक जगह कर देती है और फिर आप उस पर अगर कल्टिवेशंस करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट कर रही है, एक ही जगह पर अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में थोड़े थोड़े से फार्म है तो गवर्नमेंट उनको जो है इंटीग्रेटेड कर करके एक ही जगह आपको फार्मिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशंस ऑफ फार्मिंग। उसके बाद है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि इसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस लैंड का किया जाएगा, गवर्नमेंट जो है एक मैक्सिमम साइज जो है कल्टीवेबल लैंड जो होती है उसको एक डिसाइड कर देता है कि पर्टिकुलर एक पर्सन के पास या उसके नाम जो है इतने एकड़ से जो ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा ज़मीन है तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है सरप्लस जो लैंड थी एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो लैंडलेस लेबर्स हैं या ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिया जाता है। तो सीलिंग ऑफ लैंड जो है गवर्नमेंट की, ये भी एक बेटर प्रैक्टिस है, इसके थ्रू भी जो है लैंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाता है और सबके पास लैंड होने की वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी कुछ इम्प्रूव आती है। उसके बाद होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, की अगर कुछ किसान मिल करके स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनकी होल्डिंग कर ली जाए, उनको जो है वो बार्गेनिंग जो है सिस्टम्स वो उनको सिखा दिया जाए और वो सब मिलकर के एग्रीकल्चर करें तो भी कुछ रिफॉर्म्स हो सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं, लास्ट आते हैं जनरल रिफॉर्म्स, की कुछ जनरल रिफॉर्म्स जो होते हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट करती है। तो उसमें सबसे पहला आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है हमारे एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड रहती है तो गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाती है कि इरिगेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट हो। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो डैम्स का कंस्ट्रक्शंस करती है, कैनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, वेल डिगिंग के लिए जो है वो लोअर लैंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती है। तो डिफरेंट टाइप्स के इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट लॉन्च करती है और लॉन्च करने के बाद जो होता है
गवर्नमेंट उनसे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराने की वजह से जो होता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव आ जाती है। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वो प्राइमरी लेवल पर जो सोसाइटीज़ होती है वो होती है हमारे सेंट्रल लेवल पर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और प्राइमरी लेवल पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो रूरल एरिया पर होते हैं। तो इस स्टाइल से एक पिरामिड शेप का जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स का जो मार्केट है वो डेवलप्ड किया गया है, और उसके थ्रू जो है बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी से भी कुछ रिफॉर्म्स हो सकता है। लैंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया गया, RRB एस्टेब्लिश किया गया, नाबार्ड जो एपेक्स कैटेगरी का एक बैंक है गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश किया गया 1982 में, तो उसके थ्रू भी जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो क्रेडिट का जो प्रोविजंस है गवर्नमेंट ने उसके थ्रू जो है बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश की गई है। उसके बाद है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम जो है गवर्नमेंट ने वो लॉन्च की गई है। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं एटलीस्ट 72% जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। RRBs जो मैंने आपको बोला रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया में जहाँ पर किसी स्टाइल्स का कोई भी बैंक नहीं होता है वहाँ RRBs को सेटअप किया जाता है, और LDBs लैंड डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड जो होता है वो एपेक्स कैटेगरी का बैंक है, ये RBI का एक डिपार्टमेंट था, उसको एग्रीकल्चर बैंक में 1992 में एज ए नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो फाइनेंस फैसिलिटी रिसेंट टाइम में होती है वो नाबार्ड के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद होता है रेगुलेटेड द मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ की हमारे यहाँ जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ है वो मार्केट को रेगुलेट कर करके चलती है अक्रॉस द पार्ट ऑफ कंट्री टोटल हमारी कंट्री में। उसके बाद जो है ये प्राइस को ऑफर करती है कि एटलीस्ट फार्मर को मिनिमम प्राइस क्या दिया जाएगा ताकि उसका जो एक्सप्लोटेशन है मिडिल मैन के थ्रू एटलीस्ट उससे उसको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जो ये कमिटीज़ होती है ये गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है, और ये फार्मर को इसकी जो श्योरिटी देती है कि एटलीस्ट उसको इतना मिनिमम जो प्राइस है वो तो प्रोवाइड किया जाएगा। वेट से लेकर के रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वैल्यू जो फार्मर के प्रोडक्ट की होती है वो इनके थ्रू जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो होती है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करती है, वो फार्मर्स को जो है उसके प्रोडक्शंस को जो होती है उसके गेन दिलवा करके उसको सेल करने की कोशिश करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है एटलीस्ट वो भी ये सोसाइटी भी जो होती है वो फार्मर को उसके प्रोडक्ट को जो होती है सोल्ड कर देती है, उसकी जो भी मिनिमम प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो भी प्राइस उसको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रोविज़न होता है स्टोरेज का क्रॉप्स का वो भी इन सोसाइटीज़ के थ्रू किया जाता है ताकि फार्मर को अपनी क्रॉप्स को जो है लोअर प्राइस पे सेल नहीं करा पाए। उसके बाद होता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ की हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर कर देती है, जैसे ही आपकी क्रॉप्स की जो सोइंग्स होती है उसके बाद ही गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है डिक्लेयर करती है ताकि फार्मर को जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स होती है रिस्क जो होती है कि उसकी हार्वेस्टिंग के टाइम उसकी क्रॉप्स की क्या कंडीशंस होगी प्राइस का क्या होगा तो वो मिनिमम प्राइस से वो प्रमोट होता है इंक्रेज होता है मोटिवेट होता है और मैक्सिमम जो होता है वो प्रोडक्टिविटी देने की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट उनको इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सारे सरप्लस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर लेती है, अपने गोडाउंस में सेफ रखवाती है, फिर उसको राशन में सप्लाई करती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए की जाती है। नेक्स्ट वी आर कम ऑन टू द पॉइंट टू ग्रीन रिवोल्यूशंस। ग्रीन रिवोल्यूशंस जो है एक प्रोग्राम्स था वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया। फर्स्ट हमारे जो 3rd 5-year plan थे इट इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो 3 5-year plan में तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ बहुत रैपिड रेट से इंक्रीज हो गई थी, तो हमारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई कि एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट हो। तो ये जो स्टेप लिया गया था वो लिया गया था 1964 में जो था एक साइंटिस्ट थे एम एस स्वामीनाथन के एफर्ट्स से जो है उन्होंने काफ़ी टाइम तक इस पर रिसर्च की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस स्टाइल से इम्प्रूव किया जाए। तो जब वो 1961 से रिसर्च करने लगे तो 1964 और 65 में उनकी जब रिसर्च कंप्लीट हो गई तो उन्होंने एक प्लानिंग प्रिपेयर करी और गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन के साथ वो प्लानिंग जो है वो प्रेजेंट की। तो गवर्नमेंट ने उस प्लानिंग या उस प्लान या उस स्ट्रेटेजी को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी दिस इज़ नॉन एज ग्रीन रिवोल्यूशन, उसको हम ग्रीन रिवोल्यूशंस के नाम से जो जानते हैं। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से एफर्ट्स लगाए। ग्रीन मीन
मतलब इस वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रीन और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ग्रीन मीन्स जो होता है क्रॉप्स सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना ही ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो किया जाता है। इस ग्रीन रिवोल्यूशन का जो है उसका जो फर्स्ट टाइम में ही जो एफर्ट्स मिला वो 25% जो था हम सेल्फ सफिशियंट हो गए और हमारा इम्पोर्ट था जो रिड्यूस हो गया। तो ये फर्स्ट फेज में अगर इसका डेवलपमेंट देखें कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज इस प्रोडक्टिविटी का जो था ग्रीन रिवोल्यूशन जो था उसमें सबसे पहले जो था वो रिस्ट्रिक्टेड लार्ज वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन इन द कंट्री। सबसे पहले इसको राइस और वीट ग्रोइंग कंट्री में जो है उसको वहाँ लगाया गया। ये पंजाब हरियाणा तमिलनाडु ये जो थे हमारे सेक्टर्स थे और उनका जो है बेनिफिट जो हुआ इन कंट्रीज को जो है वो टू टाइप्स में जो है ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसके बाद आता है आपका मिड पेस। तो मिड पेस में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन तो है मोस्ट हमारी कंट्री का जो लार्ज एरिया था एटलीस्ट उसको भी कवर कर लिया गया। और इसमें है एक्सपर्ट इन द क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी। तो इसमें हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो इम्प्रूव हुई वो बहुत ही हायर लेवल पर जो है इस कंट्री में हमारी कंट्री ने जंप लिया। हमारे इम्पोर्ट जो थे वो रिड्यूस हो गए और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत हाई रेट से जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो गई। उसके बाद है सब्सटेंशियल राइज इन द एकर्स। और जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो एरिया था जो टेक्नोलॉजी जो थी वो सिग्निफिकेंटली बहुत लार्ज लेवल पर जो है वो इसमें इंडिकेट हो गई। और लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो है हार्वेस्टिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे HIV सीड्स के बिहाफ पे जो है वो बेटर HIV सीड्स और जो टेक्नोलॉजी थी एटलीस्ट उसको सिग्निफिकेंटली जो है वो टाइम लैग जो था वो रिड्यूस हो गया। और बहुत कम टाइम पीरियड में जो हमारी हार्वेस्टिंग और सोइंग का जो टाइम पीरियड होता था पहले कि 6 मंथ या 4 मंथ में क्रॉप्स जो है हार्वेस्टिंग के लिए प्रिपेयर होती थी HIV सीड्स के यूटिलाइजेशन से, अब ये टाइम लैग जो था वो बहुत कम हो गया। बहुत कम टाइम में अब जो है हमारी क्रॉप्स जो है वो मैच्योर हो जाती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ हमने कर लिया तो इनसे डबल जो क्रॉपिंग थी वो भी पॉसिबल हो गई कि एक साथ आप दो दो फसलों को भी अब जो है इसमें ले सकते हैं। उसके बाद है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग कि जो सब्सटेंस फार्मिंग की जो थीम थी हमारे फार्मर में कि एटलीस्ट उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना कि हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सके, उनका ओपिनियन चेंज हो गया। वो जो है वो कमर्शियल जो है क्रॉप्स वो करने में जो है बिलीव करने लग गए और फार्मिंग को एज ए कॉमर्शियल वे में ट्रीट करने लग गए कि अब अगर फार्मिंग करनी है तो एटलीस्ट अपने बेनिफिट के लिए भी करनी है और सरप्लस क्रॉप्स को कुछ सेल भी करना है। उसके बाद है चेंज इन द फार्मर आउटलुक कि फार्मर का पूरा आउटलुक चेंज हो गया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। उसका लिविंग स्टैंडर, उसके थ्रू जो कंजम्पशन किया जा रहा था वो तो सब कुछ चेंज हो गया, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है। उसके बाद हम सेल्फ सफिशियंट हो गए थे, सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी हमारे यहाँ कि अब हमें इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अदर कंट्रीज़ पर, एटलीस्ट हम फूड ग्रेन्स के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तो अब डिपेंड नहीं रहते हैं। और इस प्लानिंग के बिहाफ पे हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज होने लग गया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो एफर्ट्स जो थे, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई थी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव सीड्स का जो प्रोग्राम्स है हमने वो यूज़ किया, फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ, मल्टी क्रॉप्स प्रोग्राम हो गया, स्मॉल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट थे वो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिए, प्लांट प्रोटेक्शंस पे हमारी जो थीम थी वो थोड़ी डेवलप्ड हो गई, इंटेंसिव कल्टीवेशंस को हमने जो है वो यूज़ किया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हाई रेट से हुआ, एग्रीकल्चर फाइनेंस फैसिलिटी इंक्रीज हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर जो है वो यूज़ जो है उनका सेटअप बहुत ज़्यादा हो गया, हमने बेटर सीड्स यूज़ करने लगे, एग्रीकल्चर में जो मार्केटिंग की जो थीम थी एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केटिंग की थीम डेवलप्ड हुई, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, सॉइल कंजर्वेशंस पे जो है हमारे ओपिनियन वो चेंज हो गए, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ने थी वो डिटर्मिनेट कर दी, एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो थे वीकर सेक्शंस के लिए वो लॉन्च कर दिए गए गवर्नमेंट ने, ड्राई फार्मिंग को प्रमोट किया गया था, क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम थी वो भी आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन ही डेवलप्ड हुई थी, और डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ये सब ग्रीन रिवोल्यूशन के बिहाफ पे ही हमारी कंट्री में पॉसिबल हुआ है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बिहाफ पे एरीगेशन सेक्टर, प्रोडक्टिविटी, कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट आता है कि गेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन सिग्निफिकेंस बट नॉट सफिशिएंट कि ग्रीन रिवोल्यूशन के मैंने आपको बताया कि अभी तक इतने ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स हमें मिले, तो रियल में ग्रीन रिवोल्यूशन से हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, हमारा बहुत कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो हमारी
कंट्री में हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, तो कुछ नुकसान भी जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशंस के बिहाव पे होता है। तो सबसे पहला था कि इसका जो पहला नेगेटिव पॉइंट था वो था लिमिटेड क्रॉप्स की ग्रीन रिवोल्यूशन। जो हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की थी वो लिमिटेड क्रॉप्स पे की थी। ऑलमोस्ट इस पर जो ज़्यादा प्रेशर था वो वीट और राइस पर ही था। इसमें ऑयल सीड्स और जो कॉटन सीड्स थे उसको इग्नोर कर दिया गया। तो इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में या लिमिटेड क्रॉप्स जो है, एटलीस्ट उस पर इसको जो है ध्यान दिया जाना, वो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट नहीं था। इसमें जो है जैसे जो ज्वार है, मिलेट्स है, उन पर ही वीट और जो मेज़ है, एटलीस्ट उन्हीं के ऊपर इनको पर बर्डन दिया गया। तो फ्यू क्रॉप्स थी, अदर जो क्रॉप्स थी एटलीस्ट उसने उसका इसमें इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद रहता है सेकेंड पॉइंट्स आता है लिमिटेड अर्निंग प्रोग्राम्स अनइवन स्प्रेड था कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये जो पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसका जो था वो अनइवन स्प्रेड था। किसी सेक्टर्स में या किसी रीजन में तो इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया वहाँ की सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, और कहीं इसका जो एफर्ट्स था वो बहुत ही लोअर शो हुआ। तो इसके जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को शो हुए वो थे पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो है इसके एडवांटेज जो थे वो हायर कैटेगरी के थे, जबकि अदर स्टेट में जो थे वो इसके एफर्ट्स बहुत ही लोअर थे। नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमिक डिवाइड की, इसने जो है इकोनॉमिकली डिवाइड कर दिया हमारे एग्रीकल्चर एरिया को। इसका जो बेनिफिट था वो मार्जिनल फार्मर को नहीं मिल पाया या लोअर फार्मर को नहीं मिल पाया, जो हाई कैटेगरी के जो रिच फार्मर थे एटलीस्ट टोटल बेनिफिट्स उन्हीं को मिल गया, उन्हीं को फाइनेंस फैसिलिटी मिली, उन्हें ही सीड्स मिले, उन्हें ही जो है टोटल गवर्नमेंट के थ्रू जो फैसिलिटी थी। तो इससे पॉवर्टी जो थी वो हमारे रूरल एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो डिस्पैरिटीज़ को इंक्रीज़ करने में ये जो है पॉलिसी वो है, इसने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को तो इंक्रीज़ किया ही था, बल्कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी किया कि कुछ स्टेट तो बैकवर्ड रह गए और कुछ फास्ट फॉरवर्ड आ गए। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स की, हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स की सप्लाई उतनी नहीं हो पाई जितनी की उनकी रिक्वायरमेंट थी। इंक्रीज़ हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉलो करोगे और लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो नहीं करोगे तो ये प्लानिंग कुछ जो है वो फेलियर हो गई थी। उसके बाद है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज की, इंस्टीट्यूशनल चेंज जो है वो इतने ज़्यादा नहीं हो पाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश तो कर दिया परंतु उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो बहुत लोअर रहा। नेक्स्ट, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन? एंड ऑब्वियसली यस, बिकॉज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज लोअर। जो हमारी फर्स्ट टाइम जो 1962 में जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन की, उसके अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत लोअर थे। और ये जो है हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, जो प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ का, हमारे इस कंट्री का, वो बहुत लोअर है अगर हम अदर डेवलप्ड कंट्री से उसका कंपैरिजन करें। और फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक्स है उसमें एवरी टाइम अनसर्टेनिटी रहती है। उसके बाद मोस्ट फार्मर जो इंडिया के हैं वो अनसर्टेन्स जो वेदर्स कंडीशंस है उसको सेफ ही नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंस फैसिलिटी ले लेते हैं, डेप्ट के ट्रैप्स में हो जाते हैं, फिर सुसाइड्स वगैरह जो है फार्मर वो करते हैं। तो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट शो कर रहे हैं कि अगर कंट्री की कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन्स करना है, इम्पोर्ट पर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह स्ट्रॉन्ग पावरफुल पिलर बनाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको रिड्यूस करना है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक न्यू ग्रीन रिवोल्यूशन को लॉन्च करना ही होगा। दैट्स इट।